हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 20 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18। अभी श्रम बल की एक रिपोर्ट आई है, श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18। इस रिपोर्ट को समझने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो जो हमारा आया था छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें हमने जनगणना वाला टॉपिक पढ़ा था, जनगणना 2011 के कुछ पॉइंट्स हमने उसमें देखे थे। उसमें एक पॉइंट था आपका कार्यबल भागीदारी प्रतिशत। ठीक, कार्यबल भागीदारी प्रतिशत ये होता क्या है? ठीक है, यह आपका श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट को समझने से पहले आप ये समझिए कि कार्यबल भागीदारी प्रतिशत होता क्या है, जिसे हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था इकोनॉमिक सर्वे वाले में, इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आपके 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है श्रमिक वर्ग। ऐसे वर्ग जो कि कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कहा जाता है ये श्रमिक वर्ग। या आपका जो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो आपके कार्य बल के अंतर्गत शामिल है, ऐसे लोग जो कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वो इस कार्यबल भागीदारी प्रतिशत के अंतर्गत काउंट होते हैं। 15 वर्ष से पहले के यानी 1 से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोग, और इधर 59 वर्ष के बाद यानी 60 से लेकर के उधर 75-100 वर्ष के लोग, ये कहलाते हैं आपके आश्रित वर्ग, जो अपने कार्यों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग कहलाता है 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग। तो ऐसे लोगों को आपका कार्यबल भागीदारी प्रतिशत के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ का कार्यबल भागीदारी प्रतिशत रहा आपका 47.68%, 47.68% हमारे छत्तीसगढ़ का कार्यबल भागीदारी प्रतिशत रहा। ठीक, तो ये था आपके जनगणना 2011 के आधार पर। अब जो आपका श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 की जो रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे समझिएगा। देखिए, कार्यबल में स्वरोजगार करने वाले, यानी इस कार्यबल भागीदारी प्रतिशत में, यानी इस कार्यबल में स्वरोजगार करने वाले, स्वरोजगार मतलब स्वयं का रोजगार, जो खुद से कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, खुद से कोई ना कोई, आप मान लीजिए अगर एक व्यक्ति स्वरोजगार माना जाता है, जैसे उसने खुद की एक दुकान खोल लिया, खुद का अपना एक मैकेनिक का दुकान खोल लिया, खुद का एक अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, ये कहलाता है स्वरोजगार, यानी स्वयं का रोजगार। वो किसी अन्य के पास कार्य करने नहीं जा रहा है, किसी की दुकान में वो काम नहीं कर रहा है, किसी फैक्ट्री में वो काम नहीं कर रहा है, वो स्वयं का कार्य कर रहा है, यानी अपना स्वयं का स्वरोजगार। ठीक, तो ये कार्यबल में स्वरोजगार करने वाले, यानी हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो कार्यबल प्रतिशत है या जो कार्यबल आबादी है, उसमें स्वरोजगार यानी स्वयं के रोजगार करने वालों का प्रतिशत है आपका 66.2%, 66.2%। छत्तीसगढ़ के कुल भागीदारी, कुल कार्यबल भागीदारी प्रतिशत का आपका 66.2% लोग स्वयं का रोजगार या स्वरोजगार करते हैं। ठीक है, ये अभी की जो रिपोर्ट आई है आपके श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18, उसके आंकड़े हैं। ठीक है, तो कार्यबल में स्वयं का रोजगार या स्वरोजगार करने वालों का प्रतिशत कितना है? 66.2%। बाकी जो बचे हुए हैं वो किसी दूसरे के पास नौकरी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं का रोजगार करने वालों का प्रतिशत कितना है? 66.2%। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। देखिए, अब ये आया, इससे कुछ और चीजें निकल के सामने आई है। स्वरोजगार देखिए, ये स्वरोजगार के पीछे सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, स्कीम्स इन द सेंस जैसे मुद्रा योजना। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, यानी स्वयं का एक रोजगार स्टार्ट करना चाहता है, स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाई है, जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, ये सभी के सभी स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम थी। ठीक, तो इस स्कीम को गवर्नमेंट लाई, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेकर के स्वयं का एक छोटा सा अगर एक लघु उद्योग भी स्थापित करेगा, तो उस लघु उद्योग में वो कुछ लोगों को काम पे रखेगा। यानी एक व्यक्ति अगर अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट कर रहा है, तो स्वयं के रोजगार स्टार्ट करने से अन्य लोगों के भी रोजगार मिलेंगे।
ये कॉन्सेप्ट से सरकार इस स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही थी। ये स्वरोजगार को आपका जॉब क्रिएटर माना जाता है, जॉब क्रिएटर यानी रोजगार उत्पन्न करने वाला, ठीक। लेकिन समझिएगा, जॉब क्रिएटर इसे माना जाता है, लेकिन हुआ इसका उल्टा, ठीक, इसका उल्टा हो गया है सब चीज। क्या हुआ है एक्चुअली में, दूसरों को देखिए, ये दूसरों को नौकरी दिए जाने के मामले में, ये जो स्वरोजगार के अंतर्गत जो भी आबादी शामिल है, यानी 66.2% लोग जो इस स्वरोजगार के अंतर्गत शामिल है, जिन्हें जॉब क्रिएटर माना जा रहा था, ये सारे के सारे चीजें उल्टे हो गए। उल्टे हो गए इन द सेंस, यानी दूसरों को नौकरी पर रखने के मामले पर जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग जो स्वरोजगार प्रारंभ करके रखा है, वो केवल 4% लोगों को ही रोजगार दे पाता है, ठीक। केवल 4% लोगों को ही रोजगार दे पा रहे हैं, और जो महिला वर्ग है वो केवल, अगर महिला एक स्वरोजगार जो महिला ने प्रारंभ किया है, तो अपने उस स्वरोजगार में मात्र 1% लोगों को ही वो रोजगार पर रखे है। ये आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति या जो पुरुष जो अपना स्वयं का रोजगार चला रहा है, अपने स्वयं के रोजगार में इन पुरुष आबादी के 80% लोग 15,000 से भी कम कमा पाने में सक्षम है, यानी 15,000 भी प्रॉपरली कमा नहीं पा रहे हैं, 80% स्वरोजगारी, ठीक है। वैसे ही अगर हम महिलाओं में बात करें, तो महिला स्वरोजगारों में से 65% महिलाएं ऐसी है जो 5,000 से कम कमा पा रही है, यानी प्रॉपर तरीके से वो 5,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे पर मंथ, ठीक है। तो ये नीचे के आंकड़े आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस आंसर राइटिंग में आप लोगों को काम आ सकता है, ठीक। जो मेंस देने वाले हैं, अगर ऐसे स्कीम से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वहां आपको ये आंकड़े काम आएंगे, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल 66.2% कार्यबल में रोजगार स्वरोजगार करने वालों का प्रतिशत कितना है, 66.2%, जो कि गरीब राज्यों में मैक्सिमम है। गरीब राज्य यानी हमारा छत्तीसगढ़ भी गरीब राज्यों के अंतर्गत काउंट होता है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज जैसे MP, UP, राजस्थान, इससे भी सबसे ज़्यादा हमारा ये परसेंटेज है स्वरोजगार वाला। तो कुल कार्यबल आबादी में स्वरोजगार करने वालों का प्रतिशत कितना है, 66.2%। ये जो ऊपर वाला डाटा है ये आपके जनगणना रिपोर्ट पर है, आपका श्रमबल सर्वेक्षण के अंतर्गत आपको ये डाटा याद रखना है, 66.2%। नीचे का कॉन्सेप्ट केवल आपको मेंस में काम आएगा, प्री के लिए केवल ये परसेंटेज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, महुआ फूल देखिए, सरकार जो है, आप सभी को मालूम है, प्रदेश सरकार बहुत से लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है, ठीक। अभी जो एक न्यूज़ आया है, ये जो महुआ फूल है ये भी आपका एक लघु वन उपज है, तो ये महुआ फूल का जो समर्थन मूल्य है, जो कि पहले 17 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदेश सरकार खरीदती थी, अब इसे बढ़ा करके 30 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है, ठीक है। ये जो आपका महुआ फूल है, महुआ जिसका उपयोग शराब बनाने के लिए इसका यूज में लाया जाता है, तो इसका जो महुआ फूल है, महुआ फूल का समर्थन मूल्य पहले 17 रुपये था, जिसे बढ़ा करके कर दिया गया है 30 रुपये प्रति किलो, ठीक, 30 रुपये प्रति किलो। एक और चीज आपको अपडेट करना है, मैंने जुलाई टू दिसंबर वाले करंट अफेयर का जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, उसमें भी मैंने एक आपका टॉपिक था हमारा लघु वन उपज, जिसमें हमने 22 लघु वन उपजों के नाम लिखे हुए हैं, उसको अपडेट कीजिएगा। देखिए 22 लघु वन उपज, और प्रदेश सरकार ने अभी 8 अप्रैल 2020 में, ये इसी मंथ 8 अप्रैल 2020 में फूल इमली को भी लघु वन उपजों में शामिल किया है, यानी इस फूल इमली का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार खरीदी करेगी। देखिए पिछला हमने पढ़ा था कि प्रदेश सरकार वर्ष 2019-20 में आपका केवल 22 लघु वन उपजों की खरीदी आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, लेकिन अप्रैल 2020 का न्यूज़ है कि एक और लघु वन उपज जिसका नाम है फूल इमली या फिर बीज रहित इमली, जिसकी खरीदी प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, का जो दर है या न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP जो है वो है 54 रुपये प्रति किलो। तो इसी के साथ हमारे प्रदेश में वर्तमान में कुल 23, देखिए 22 प्लस 1 23 23 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, ठीक है। उसमें एक नाम आपको और ऐड करना है, कौन सा, फूल इमली, ठीक। नेक्स्ट देखिए वन भैंसा, आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश सरकार जो है राजकीय पशु वन भैंसे के आबादी को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, तो इसी कड़ी में उन्होंने असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से वन भैंसे, लगभग 6 वन भैंसे लाने की केंद्र सरकार से उन्होंने अनुमति ले ली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण
पूरे के पूरे एक बार में 6 वन भैंसे प्रदेश में नहीं आए हैं, स्वीकृति मिली थी टोटल 6 वन भैंसे हमारे प्रदेश में आएंगे। उन 6 वन भैंसों में से आपका 5 मादा वन भैंसे रहेंगे और एक नर वन भैंसा रहेगा, ठीक है। हमारे राजकीय पशु वन भैंसे की आबादी बढ़ाए जाने के उद्देश्य से इन्हें लाया जा रहा था, कहाँ से, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो अभी जो है हमारे प्रदेश में जो आपके असम से केवल एक नर और एक मादा वन भैंसे, यानी 2 वन भैंसों को लाया गया है जिसमें एक नर और एक मादा वन भैंसा है, ठीक। अभी 4 मादा वन भैंसे आने और बाकी है। इन दोनों वन भैंसों को रखा गया है आपके बारनवापारा अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इतने को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोविड 19 या कोरोना वायरस जो माहौल बना हुआ है, थोड़ा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते। देखिए, कोविड 19 या कोरोना वायरस, इसके अंतर्गत हमारे पूरे प्रदेश के जो 28 जिले हैं, गोल्ला पेंड्रा मरवाही को लेकर के प्रदेश में जो टोटल आपके 28 जिले हैं, उस 28 जिलों को आपके 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन जहां पर कोरोना के संक्रमण के सर्वाधिक मामले आए हैं, ऐसे जिलों को रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। ऑरेंज जोन, ऐसे जिले जिसमें केवल कोरोना संक्रमण के 1 या 2 मामले ही आए हैं, या फिर आज से 14 दिन पहले तक कोरोना संक्रमण के कोई नए मामले सामने न आए हुए हो, ऐसे जिलों को आपके ऑरेंज जोन के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है आपका ग्रीन जोन, ऐसे जिले जहां पे कोरोना संक्रमण के 1 भी मामले नहीं आए हैं, उन्हें ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, तो ये 3 वर्ग या 3 कैटेगरी में बांटने का कारण क्या है, जो रेड जोन है जहां पे सर्वाधिक मामले आए हैं, तो ऐसे जिलों को पूर्णतः आपका लॉकडाउन रखा जाएगा, वहां पे किसी भी प्रकार की ना ही कोई दुकानें खुलेगी, ना ही कोई फैक्ट्री खुलेगी, कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा। ऑरेंज जोन के अंतर्गत जो जिले शामिल होंगे, उसमें कुछ पाबंदियों के साथ या कुछ शर्तों के साथ वहां पे कुछ फैक्ट्रीज और दुकानें खुल सकती है, और ग्रीन जोन के अंतर्गत जो जिले रहेंगे उसमें सारी की सारी छूट के साथ, यानी पूरी तरीके से उन्हें छूट प्रदान करके वहां पर आपके जो भी रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजों की जो दुकान है और फैक्ट्री, उन्हें ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो रेड जोन है, रेड जोन के अंतर्गत केवल 1 जिला है, ऑरेंज जोन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 4 जिले हैं, और ग्रीन जोन के अंतर्गत आपके 24 जिले हैं। देखिए, रेड जोन के अंतर्गत है आपका कोरबा जिला जहां पर लगभग 25 के आसपास कुछ मामले वहां पर केवल अकेले कोरबा जिले से आए हैं। कोरबा जिले में स्पेशली आपके कटघोरा तहसील सर्वाधिक जो प्रभावित रहा, वो रहा आपका कटघोरा तहसील, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण से हमारे प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहा पूछा जाएगा, तो कोरबा जिला, ठीक है। शायद प्रश्न बन सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 के संक्रमण से प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहा, तो वो है आपका कोरबा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ऑरेंज जोन जिसके अंतर्गत 4 जिलों को रखा गया है, जिसमें है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। रायपुर से लगभग 4 के आसपास मामले आए हैं, बाकी सभी से 1-1 मामले आए हैं, लेकिन पिछले 14 दिनों से यहां पर कोरोना संक्रमण के कोई भी नए मामले नहीं आए हैं, तो इन 4 जिलों को आपके ऑरेंज जोन के अंतर्गत रखा गया है, और बाकी 24 जिले ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के 1 भी मामले सामने नहीं आए, ठीक। देखिए, अब सरकार द्वारा इस लॉकडाउन के समय जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे समझिएगा। पहले नंबर पर है आपका cheart.com, ठीक, cheart.com, हार्ट यानी HART, हार्ट मतलब होता है आपका बाजार, ठीक, हिंदी का हार्ट, ये जो हार्ट है ये हिंदी का है, हार्ट, cheart.com, ठीक है, cheart.com, हार्ट मतलब बाजार। देखिए, इस ये जो आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से हरी सब्जियां और फलों की ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी कराई जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, चिप्स के द्वारा ये विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं घरों में रह करके ही आपकी हरी सब्जियों और फलों का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इन्हें होम डिलीवरी भी इनके घरों में कराई जाएगी, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, 150 रुपए की खरीदी पर फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी,
ठीक है, घरों में मुफ्त में ला के छोड़ा जाएगा अगर आप 150 रुपये तक की खरीदी करते हैं तो। अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इसे रायपुर शहर में इसे स्टार्ट किया गया है, या रायपुर जिले में इसे स्टार्ट किया गया है। आने वाले समय में थोड़े हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े शहर है, रायपुर जैसे बड़े शहर है, उन शहरों में इसे स्टार्ट किया जाएगा। जैसे दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, उसमें स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके रायपुर में इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक है आपका फटाफट ऐप। फटाफट ऐप जिसे विकसित किया गया है बिलासपुर नगर निगम के द्वारा बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्रों में। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, जो cghat.in है उसी के जैसे आपका सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक ऐप डेवलप किया गया है, फटाफट ऐप, जो कि बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्रों में आपकी जरूरत की चीजों की फ्री होम डिलीवरी इसमें भी कराई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए जनरल प्रमोशन। जनरल प्रमोशन लॉकडाउन के कारण जैसे आप सभी को पता है सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी बंद है। तो इसे देखते हुए हमारे प्रदेश सरकार ने आपके जनरल प्रमोशन यानी कक्षा उन्नति, ठीक, जनरल प्रमोशन कर दिया है जितने भी आपके स्कूल के छात्र हैं उन लोगों का, यानी पहली से आठवीं और नौवीं और ग्यारहवीं, यानी ऐसे छात्र जिनके अभी परीक्षाएँ नहीं हुई है, पहली से लेकर के आठवीं तक नौवीं और ग्यारहवीं के छात्र जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है उन्हें सीधा सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यानी पहले क्लास के स्टूडेंट को आपका सेकंड क्लास में कर दिया जाएगा, नाइन्थ के स्टूडेंट को टेंथ में कर दिया जाएगा, इलेवंथ के स्टूडेंट को ट्वेल्थ में कर दिया जाएगा। ठीक, इन लोगों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, इनका सीधा सीधा जनरल प्रमोशन कर दिया गया है। परीक्षाएँ केवल दो क्लास के लोग देंगे, एक टेंथ और दूसरा ट्वेल्थ, जो बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये पहली से आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं, इनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं, इनका जनरल प्रमोशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सहायता कोष। ये जो आपके कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कुछ जिलों को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25 लाख रुपये प्रति जिला प्रदान किया गया है। हर एक जिले को 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 7 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। ठीक है, तो ये है आपके COVID-19 संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है 12वीं+ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। 12वीं+ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभी फिलहाल समिति का गठन किया गया है, जिसमें ये एक प्रकार से सरकार एक रोजगारोन्मुखी यानी रोजगार से उन्मुख करने वाली एक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली है। यानी जो पूरी तरीके से जो छात्र है जो 12वीं पास करेंगे उनको 12वीं पास करने के पश्चात उन्हें किसी न किसी रोजगार पाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें 12वीं+ITI, ठीक, ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एक साथ प्रदान किया जाएगा। यानी अगर कोई छात्र 12वीं पास करता है तो 12वीं पास होने के बाद उसे 12वीं का मार्कशीट प्लस ITI का प्रमाण पत्र भी उन्हें प्रदान किया जाएगा, ITI उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका जो समिति गठन की जा रही है वो फिलहाल अभी एक योजना तैयार कर रही है। उस योजना देखिए वो योजना क्या है, 11वीं और 12वीं, देखिए कोई छात्र अगर 10वीं पास करता है और 10वीं के बाद वो 11वीं या 12वीं में जाता है तो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ उसे ITI की व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, प्रदेश के सभी स्कूलों में अगर कोई छात्र 10वीं पास करके 11वीं में जाता है तो 11वीं और 12वीं इन दो सालों में उन्हें 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के साथ ही साथ आपका ITI व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई उन्हें करवाई जाएगी। इसमें सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए ये योजना कौन तैयार कर रहा है, ये योजना तैयार कर रहा है आपका स्कूली शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा जिसके अंतर्गत 11वीं 12वीं शामिल है और तकनीकी शिक्षा विभाग जिसके अंतर्गत आपका ITI शामिल है। ठीक, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से योजना तैयार किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रदेश में रोजगार ऐसे शिक्षा को बढ़ावा देना जिसके पश्चात छात्र कोई ना कोई रोजगार पा सके। तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना यानी अगर एक छात्र अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करता है तो स्कूल पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वो छात्र इतना सक्षम हो कि वो कोई ना कोई रोजगार कर सके। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज कवर किया है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।